स्पीकर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के उपाय लेकर के आया हूँ वो है आपका कहीं भी धन फंसा हुआ है, आपका कहीं भी पैसा फंसा हुआ है, आपका कहीं भी पैसा रुका हुआ है जहाँ से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपने किसी को उधार दे रखा है वहां से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में वीडियो है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उधारी दे देते हैं, इधर उधर बांट देते हैं, पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, कहीं किसी से डीलिंग की आपने रुपए दे दिया, अब रुपए फंस गया, वो रुपए वापस नहीं कर रहा है, अब आप परेशान हैं, क्या करें। बहुत सा आपका पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, बैंक का पैसा फंसा हुआ है, कहीं भी आपका यत्र तत्र सर्वत्र, समझ रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका धन, आपका पैसा, आपका रुपया फंसा हुआ है। इस उपाय को करने के बाद वो रुपया फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने यदि उपाय कर लिया तो जो अभी तक आप परेशान रहते थे रुपया फंसने के कारण, चिड़चिड़ापन रहता था आपके दिमाग में ये क्या करें, बहुत सारे आपने जतन कर लिए होंगे, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए होंगे, बहुत सारी चीजें कर ली होंगी आपने इसके लिए, फिर भी आपका अभी तक फंसा हुआ रुपया आपको वापस नहीं मिल पाया है, तो अब यह एक उपाय करके और देखिए। इतना छोटा सा उपाय है कि आपको लगेगा बस हो गया, इतना छोटा सा उपाय और असर इतना तगड़ा है कि जब आपको इसका असर स्वयं पता चल जाएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख करके या मैसेज करके भी मुझे बताइएगा कि उस उपाय को जब आपने किया उसके बाद आपको इसका क्या असर मिला, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसी भी प्रकार का कैसा भी धन आपका होगा फंसा हुआ आपको तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए करना क्या है आपको। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से निवेदन कर लूँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, बंधुओं को, बांधवों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और उसमें लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं मेरे फेसबुक चैनल के, इंस्टाग्राम के, तो फॉलो कर लीजिए आप इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज को, इसलिए क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में और 8 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ 1.5 घंटे। उसमें मैं लाइव सेशन में फ्री में कुंडलियां देखता हूँ सबकी, इसलिए आप लाइव सेशन में जुड़िए, फेसबुक पेज को मेरे फॉलो करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो वहां पे आप जुड़ जाएंगे तो आप लाइव कुंडली दिखवाएंगे अपनी, तो आपकी सारी समस्याओं पे सॉल्व हो जाएगी। वहां पे आपको करना क्या है, लाइव आने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम भेजना और अपनी एक समस्या बतानी है, फिर समाधान मैं दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जो दिन आपको अच्छा लगे उस दिन आप कर लीजिए। आपको करना क्या है, गाय के गोबर का एक कंडा लेना, ध्यान से सुनिए, भैंस का गोबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जाए और भैंस के गोबर का कंडा लिया, अगर आप कह लो महाराज जी हमने तो उपाय किया, उपाय नहीं हुआ। गाय के गोबर का एक कंडा लेना है और करना क्या है, उसका गाय का गोबर कंडा आपके घर में लिया, उसका झाड़ू, कौन सी झाड़ू, नई झाड़ू नहीं खरीदनी है आपको, जो झाड़ू आपके घर में यूज हो रही हो डेली, जिससे आपके घर में झाड़ू लग रही हो, वो वाली सीको वाली झाड़ू आपको ले लेनी है। घर में ऐसी जगह देखिए, उस कंडे के ऊपर झाड़ू को ऐसे रख देना, दबा देना, ये समझ लीजिए, कंडा लिया, कंडे के ऊपर से झाड़ू को दबा दिया, दबा के ऐसे रखना है, पर घर में ऐसी जगह रखना है कि जहां किसी की निगाह भी ना पहुंचे, जहां किसी का हाथ भी ना पहुंचे, खासकर बच्चों का, एक बच्चे इधर उधर कर देंगे तो आपका प्रयोग फिर बेकार हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो घर में कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां किसी की निगाह भी ना पहुंचे और जहां किसी का हाथ भी ना पहुंचे, कोई उसे छेड़ ना सके, ऐसे स्थान में जो आपके घर में यूज होती है झाड़ू वो, और गाय के गोबर का कंडा, गाय के गोबर के कंडे को आपको दबा देना है झाड़ू के, झाड़ू से, और किसी कोने में कहीं भी रख देना जहां किसी की निगाह और हाथ ना पहुंचे, केवल आपको इतना करना है। अब इसके साथ एक चीज और करनी है, मैंने आपको बताया है कि 50% काम करते हैं विधि और मंत्र, 50% काम करता है यंत्र, एक प्रयोग तो आपने कर दिया, अब इसके साथ आपको लेना है सर्व कार्य सिद्धि या कार्य सिद्धि यंत्र, सर्वकार सिद्धि या कार्य सिद्धि यंत्र, यंत्र किस काम आता है, हम जिस कार्य की सिद्धि को करना चाहते हैं, जो कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा है उस कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र काम आता है। अब आपके यहाँ कार्य की सिद्धि कौन सी है, आप कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं कि आपका जो रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, जो आपको वापस नहीं मिल पा रहा वो वापस मिल जाए, उसके लिए आपने कंडे और झाड़ू वाला प्रयोग तो कर दिया, 50% आपने काम कर दिया, 50% आपको करना है सर्वकार सिद्धि या कार्य सिद्धि यंत्र, आपको हमारे यहाँ से मंगा लेना है, हमारे यहाँ से मंगा लीजिए, वो यंत्र
क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा, सिद्ध किया होगा, पूजित होगा विधि द्वारा, उसके चारों तरफ कलावा बना हुआ होगा सिद्ध। हमारे यहां से मंगा ले, यदि कहीं आपको और से प्राप्त हो जाए ऐसा ही, जैसे मैंने पूरी विधाई ऐसा यंत्र, तो वहां से भी ले लें, उसको विधि द्वारा अपने मंदिर में पूजित करके यंत्र को रखें। जिस दिन आप एक घंटे का प्रयोग करेंगे उसी दिन आपको वो यंत्र की भी पूजा स्टार्ट कर देनी है अपने मंदिर में। जैसे ही दोनों चीजें प्रारंभ होगी आपके घर में, आपका जो रुपया फंसा हुआ था, पैसा जो आपको मिल नहीं पा रहा था, सालों बीत गए ऐसा पैसा फंसा हुआ है, आपने उम्मीद छोड़ दी कि पैसा मुझे मिलेगा नहीं, वो पैसा भी आपका लौट करके वापस आपके पास आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, बस प्रयोग करते समय पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण पॉजिटिविटी के साथ उपाय करिए, निश्चित ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप जितने भी प्रयोग करें बहुत अच्छे मन से करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें और मेरे लाइव सेशन में अवश्य जुड़े। मेरी शुभकामना, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद बने। इसी के साथ राधे राधे।